Sahayagya praja srishtva Purovacha prajapatihi Anena prasamishyadvam Esha vostishta kabadhuka Devan bhavajatanina Te devan bhavajantubaha Parasparam bhavajantaha Shreya paramavapsyatha Ishtan bhogan hiyo devaha Dasyante yagya bhavitaha Taira dattan pradayebhyo Yo bhante stena yeva saha Yagya shishtashina santo Mucyante sarva kilvishaihi Bhujyate te togham papa Ye pachantyatma karadan Ye pachantyatma karadan Ishtan abhipretan bhogan hi vo yushmabhyam devaha dasyante vitarishyanti stri pashu putra dina yagya bhavitaha yagyihi varditaha toshitaha ityarthaha taihi devai dattan bhogan apradaya adattva Ananyam akritva ityartha evyo deve bhyaha yo bhunte svadehe indriyani eva tarpayati stena eva taskaraha evahi devadi svabhari. So devan bhavayata nena te devaha bhavayantuvaha. Parasparam bhavayantaha shreyah paramavapsyatha. Iska jo pramukh shabda tha, wo tha dev. To dev ka jo bhagwan bhashakar ne pehla arth kiya, wo devan indra adina bhavayataha. To jo srishti ko charane wale jo log hain, srishti jinke karan chalti hai, unko bhi kya bola gaya? Dev. लेकिन जो इसका अच्छा आध्यात्मिक अर्थ था वो ये था जिनके कारण हमारे जीवन में आज उन्नति हुई है या जो भी हमसे बड़े हैं वो सब के सब हमारे लिए किस कोटि में आते हैं देव कोटि में आते हैं इसलिए मैंने कल कहा कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव उनको भी क्या बोला गया देवता तो जिनका हमारे जीवन में बड़ा परोपकार है आगे बढ़ाने में वो सब के सब देवता की कोटि में आते हैं अब यहां कल आपसे बात हो रही थी देवान भावयता अनेन भावयता मतलब वर्धयत वो देवता लोग बढ़ते हैं जब हम उनको बढ़ाते हैं ध्यान से समझना जो बड़े लोग हैं वो तब कुछ हमें देते हैं जब हम उन्हें कुछ देते हैं ये अपेक्षा करना कि वो दे दे ऐसा नहीं है तो कल इस शब्द को खोला था
देवताओं के लिए यज्ञ क्या होगा, ठीक है ना, देवताओं के लिए यज्ञ क्या होगा। तो अभी तक आपने देखा यज्ञ का अर्थ है स्वाहा की वृत्ति। स्वाहा की वृत्ति यह है कि अपने व्यष्टि संकल्प का क्या किया जाए, त्याग किया जाए। तो देवता यज्ञ से बढ़ते हैं, इसका मतलब देवता यज्ञ से बढ़ते हैं। जब देवताओं के लिए यज्ञ करते हैं तो देवता हमें क्या करते हैं, देते हैं। तो देवताओं के लिए यज्ञ, तो बड़ों के लिए यज्ञ, बड़े मतलब ध्यान रखना आपके माता पिता, जो भी आपसे बड़े हैं, चाहे वो उम्र में हुए, चाहे वो अनुभव में हुए, चाहे वो योगदान के रूप में हो, जो भी आपको लगता है मन से कि ये बड़े हैं, उनके लिए पहली एक बात है यज्ञ करना चाहिए। जब हम यज्ञ से उनको करेंगे, इसलिए देखना देवान भावयतः अनेन, अनेन मतलब यज्ञेन, यज्ञ के जरिए से ही वो भावित होते हैं। जब मैं परिवार में या समाज में बड़े लोगों के सामने अपने संकल्प का त्याग करता हूं, ये क्या हुआ, एक यज्ञ। अब वो थोड़ा वैसा स्थूल वाला यज्ञ भूल जाना। देवता मतलब हमारे से जो बड़े लोग हैं उनके सामने जब हम अपने संकल्प का त्याग करते हैं तो वह उसके बदले हमें वह सब चीजें दे देते हैं। देने की एक शर्त है त्याग, और किसका त्याग, अपने निजी संकल्प का। इसलिए ये चर्चा पहले हुई होगी, जो माता पिता या बड़े व्यक्ति हैं वो देने से रुकते क्यों हैं। जो बड़ा व्यक्ति है वो देने से रुकता क्यों है, देता ही क्यों नहीं है, ऐसी क्या चीज है जो बड़े व्यक्ति को देने से क्या करती है, रोक देती है। वो ये है कि उस जो छोटा व्यक्ति है वो अपने संकल्प को ही क्या करता है, चलाता है। मतलब ऑफिस की भी बात कर रहा हूं, बड़े बड़े जगह भी, अगर आप सीनियर के सामने कोई जूनियर अपने निजी संकल्प का क्या करता है, त्याग करता है, तो उसको भी वो चीज समझ में आती है और वो उसको वो सब चीजें दे देता है जो उसको क्या चीज है चाहिए, ऐसी चीज नहीं देता जो नहीं चाहिए। इसलिए आया इष्टान भोगान, इष्ट भोग देता है, इष्ट मतलब इच्छित। तो मूल जो बात है वो पकड़ कर रखना, बड़ों के लिए भी यज्ञ है, बड़ों के लिए भी यज्ञ है, इस यज्ञ को देव यज्ञ कहते हैं। जब छोटा व्यक्ति अपने निजी संकल्प का त्याग करके, निजी संकल्प मतलब अपनी व्यक्तिगत इच्छा को छोड़कर उसके सामने जाता है और वो सब करता है, तो बड़ा व्यक्ति क्या करता है, देवान भावयता नेन ते देवाहा, पहले कौन गया ये, अब क्या करता है ते देवाहा, अब वो देवता लोग क्या करते हैं, भावयन्तु वह, अब उसको वो भावित करते हैं, कौन, बड़े। देखो जी, तो एक जीने की कला है कि अपने निजी व्यक्तिगत संकल्प का क्या किया जाए, त्याग। तो समष्टि की योजना में सम्मिलित हुआ जावे, बस
हो गया, और वो चाहता है। मैं तो सुन रहा था कि एक स्कूल है चिन्मय मिशन का लखनऊ में, वो किसी कारण से आपस में सब वहीं के जो लोग हैं, जो ट्रस्टीज होंगे, कुछ होगा, वो उतना नहीं चल सकता जितना चलना चाहिए। तो उसमें एक वृद्ध नागरिक थे वहीं के मिशन के मेंबर, आप सबका दिमाग अलग अलग होता है, उनको भी ट्रस्ट में डाला था एज अ ट्रस्टी, बट नहीं कुछ होगा, ईगो प्रॉब्लम या नहीं चल पाया। बहरहाल तो जब भेजा गया स्वामी जी को, देखो इस समस्या को क्या है, तो उन्होंने भी ये बात बोली शुक्ला जी ने, ये समस्या ऐसी समस्या, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, फलाना टमका। तो बोलते हैं स्वामी जी, उन्होंने उनको बहुत समझाया कि आप बड़े की जो संकल्प है उसमें क्या हो जाओ, उस संकल्प में मर्ज हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो उन्होंने कहा आप कुछ कुछ तो ठीक कह रहे हो, तो मैं वो पूरा तो नहीं, मुझे भी नहीं पता, बट गुरुदेव ने एक लेटर लिखा था बहुत पहले उन्हें, उसमें एक पहली पंक्ति थी, पहली पंक्ति क्या थी, डियर शुक्ला लेट मी लव यू, जो स्टार्टिंग थी वो ये थी, डियर शुक्ला लेट मी लव यू, मित्र शुक्ला मुझे प्यार करने दो। अब इसका क्या अर्थ आप निकालोगे, आप जरा सोचो, जो गुरुदेव ने उनको पहला ही एक वाक्य था, डियर शुक्ला लेट मी लव यू, मतलब क्या है, जो बड़ा संकल्प है उस संकल्प में अपने निजी स्वार्थ को क्या कर दो, छोड़ दो। तो लेट मी लव यू, जो मैं चाह रहा हूं वो होने दो। कोई ये पंक्ति लिख के नहीं देगा कि जो मेरी इच्छा है तुम उसको पूरी होने दो, रास्ते से निकल जाओ, ये तो कोई भाषा नहीं होती। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक संकेत, बड़े के आगे छोटे का संकल्प अपना त्याग कर दे, वो बड़ा जिसके लिए उसको लगता है कि मन में कि ये मेरे जीवन में वह स्थान रखता है। तो सबसे पहले घरेलू, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। तो माता पिता गुरु वो सब दे सकते हैं, बस शर्त ये हो कि हमारा अपना निजी संकल्प, और छोटा व्यक्ति अपना निजी संकल्प छोड़ना चाहता नहीं, तो बड़ा व्यक्ति अपने को देने से भी क्या करता है, रोक लेता है, फिर रोक लेता है। अब इसको आप समझना, कर्मण्य अधिकारते माफलेषु कदाचन, तुम्हारा फल में अधिकार नहीं है। फल मतलब लेने में अधिकार नहीं है, ठीक है, तुम्हारा लेने में अधिकार नहीं है, करने में अधिकार है। ये बात समझ में आती, इतना हिस्सा, कर्म करने में अधिकार है, कर्मणि अधिकार रहते मा फलेषु, फल मतलब जो आना है, लेकिन एक एक एक, एक क्लॉज छूटती है, क्लॉज ये छूटती है कि देने में अधिकार है या नहीं, लेने में अधिकार नहीं है लेकिन देने में अधिकार है। और इस बात को आप जरा पकड़ो, आप जिसको चाहो जो दे सकते हो, आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, लेने में वो चलती है उसके ऊपर की, लेकिन मैं किसको क्या देना चाहूं उसमें मुझे कोई भी रोक नहीं सकता। मैं चाहे तो शराब खाने में दे दूं, मैं चाहे पड़ोसी को दे दूं, मैं चाहे गरीब को दे दूं, कोई रोक सकता है,
तो कर्म में अधिकार है वो एक अलग शर्त है, लेकिन ये भी एक क्लॉज उसमें रह गई कि आप देने में स्वतंत्र हो, देने का अधिकार है। और दूसरी बात उससे भी महत्वपूर्ण रखना, जो हम देते हैं वही हमको घूम के मिलता है, ये गांठ बांध लेना। साक्षात मैं इस नियम को देखता रहता हूं इसी धरा भूमि इसी आश्रम पर। इस बात को गांठ बांध के रखना आप, यदि गलत आ रहा है तो याद रखना आपने गलत दिया है। हो नहीं सकता कि आपके पास वो लौट के आए, मतलब आपने कहीं से वो पास किया है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो चीजें आपके पास लौट के आएंगी। ये नियम है साइंस का, आपने लगाया तो वो आपके ऊपर भी बल लगेगा, बराबर का बल लगेगा। बस इतनी देर है साइंस और स्पिरिचुअलिटी में, वहां तुरंत का तुरंत है, कहां विज्ञान में। एक न्यूटन का लॉ है, हम जब किसी पर बल आरोपित करते हैं तो वह विपरीत वाला भी हम पर भी उतना ही बल। बल मतलब क्या, जो हम दूसरे को देते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसको खूब सोच समझ के गुण लेना और अपना अनुभव देख लेना, और यही हुआ है। जो मैंने किसी के लिए किया है, दिया है, क्योंकि देने में स्वतंत्र हो, ये भी याद रखना, देने में स्वतंत्र हैं। जो मैंने दिया है लौट के घूम के फिर के वही चीज आपको मिली है। अब बड़ा अमूल्य प्रश्न है, आपने दिया क्या? ये तीन जो लॉ है ना, इसको देखना। ये शुरुआत से जहां मैंने प्रारंभ किया, पहले मैंने देव यज्ञ की बात की, बड़े के सामने छोटे का संकल्प का त्याग देव यज्ञ है। दूसरी बात, कर्म करने में स्वतंत्र हैं, कर्म के फल लेने में बोलो जी गुलाम है। क्या मिलेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं देने में स्वतंत्र हूं, पहला नियम। दूसरा, हमें वही मिलता है जो हम दूसरे को देते हैं, जो हम रिसीव कर रहे हैं। आज ध्यान रखना, आज भी जो रिसीव कर रहे हो आप, वो वही रिसीव कर रहे हैं जो हमने कहीं सर्कल में किसी को क्या किया होगा, दिया होगा। एंड थर्ड, हमने दिया क्या है, हमने पास क्या किया है। इतने में पिक्चर आपकी सामने आ जाती है, जीवन का ग्राफ। यदि आप कंप्लेन कर रहे हो कि ऐसा 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 ऐसा, उससे कुछ नहीं होगा। मैं बताऊं, रो जाओ, चिल्ला बैठो, खत्म कर लो, कुछ नहीं होगा। ये कर्म एक ऐसा सिद्धांत है कि आप प्रार्थना का प्रभाव बड़ा कम पड़ता है, बड़ा क्रूर है। और एक तरीके से ये भी कि आपने अच्छा किया तो आपको ढूंढ के अच्छा देगा भी, भले आप कैसे भी पापी क्यों ना हो, ये भी कितने भी पाप ना क्यों, अगर एक शुभ कर्म किया है तो वो आपको फल दे के रहेगा। वो ये नहीं कहेगा कि 80 पाप हैं इसलिए इसको एक शुभ कर्म का फल ना दिया जाए, वो देगा जरूर। जो हम रिसीव कर रहे हैं वो रिसीव फल है कि आपने दिया क्या है। अब फिर से आप पर्सनल होइए, अगर आप बना सकते हैं इतने साल में ग्राफ तो आप बना लीजिए 6-3 महीने के, आपने दिया क्या है। और आपको फिर उस हिसाब से बोलो जी, और अगर असंतुष्टि है, असंतुष्टि है तो एक ये नियम को देख लेना कि मैंने ऐसा कभी न कभी किया है तो मुझे भी ये चीजें मिल रही हैं। तो बोले क्या करूं,
उसी क्षण से देना प्रारंभ करो। क्या देना प्रारंभ करो? जो तुम्हें चाहिए। बड़ा कंट्रास्ट है, बड़ा कंट्रास्ट है। जो तुमको चाहिए वो तुम किसी को दो। बड़ा अच्छा नियम है, आप देखो, बड़ा सरल सा है, बट कर नहीं सकता व्यक्ति, ध्यान रखना, क्योंकि व्यक्ति की नियति है देना नहीं चाहता, लेना चाहता है। कई बार इस नियम को रखा, आदर व्यक्ति लेना चाहता है, व्यक्ति आदर देना नहीं चाहता। आप कितनों को आदर देते हो? यज्ञ की बात करें, आप अपने व्यक्तिगत संकल्प कितने लोगों के सामने छोड़ देते हो? आदमी बड़े व्यक्ति के सामने भी जाता है फिर भी यही कहेगा, लेकिन लेकिन मतलब क्या, आप कुछ भी हैं लेकिन मेरी बात जो है वो यही है, वो लेकिन शब्द से आपने कह दी, फिर भी तो बात तो वहीं की वहीं रही। और बड़ा व्यक्ति होगा, आपको बताऊं, मैंने ऐसे भी देखे हैं, तो आपके आग्रह को सुन के वो उसको छोड़ देता है। क्या चीज वो बोलना ही क्या करता है, ये बाप छोड़ दो। आपको पता ही नहीं लगता कि कब आपने उससे उसने आपसे अपना कनेक्शन क्या कर लिया, काट लिया, खत्म करो आप आग्रह। ये भी होता है बड़ा व्यक्ति के साथ, बड़ा मकड़ जाल जैसा है बहुत सुलझा, अगर कोई सुलझा के चले। छोटे छोटे नियम है, और ये वो नियम है जो आप हम लोगों को कहीं खेल में बड़ों ने या पूर्वजों ने ये चीजें बड़ी अच्छे से समझाई थी। वो ये है, देने में स्वतंत्र हो, लेने में स्वतंत्र नहीं हो। हम वह चीज लोगों को दें जो चीज मुझे चाहिए। क्या चाहिए? प्रश्न क्या चाहिए? आपको पता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको आपको क्या लगता है, आपकी वो तिजोरी में रखने से अमीर बनेगा? आपको पहले कुछ पैसा क्या करना पड़ेगा, जब वो जाएगा पैसा तो फिर आपको लौट के, हमको लगता है नहीं इसको बंद कर दो, वो बंद करने से अमीर नहीं बनेगा। देखो, रुपया आने के लिए पहले रुपए को देना पड़ता है। ये तो आप अभी घर गृहस्थी चलाते हैं उसमें देख लेना, सोच के देखना जरा। मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि दूसरे आप अर्थ मत लेना, आप जब उसको वेस्ट करते हैं कहीं पे है, फिर वो आके क्या बनता है, इन्वेस्ट, और फिर आपको क्या देता है आके, लेकिन इन्वेस्ट में मिलता नहीं है, ध्यान रखना। और प्रश्न है, व्यक्ति ने इन्वेस्ट क्यों किया? एक सिंपल सा लॉ है, व्यक्ति ने इन्वेस्ट क्यों किया? क्योंकि उसको मिले, तो मिलने के लिए उसने पहले क्या किया? देखो, समाज का एक छोटा सा नियम है, जब तक मैं इन्वेस्ट करूंगा नहीं तब तक मुझे मिलेगा नहीं। और हमारी इस बड़ी समस्या, हम इन्वेस्ट करना और हम लेना चाहते हैं, कभी नहीं मिलेगा, कितना भी बड़ा भगत ना हो जाए। ये भगवान के साथ है, जो भगवान ने किया वो भगवान को भी। तो आप इस लॉ को, मैं आपको बताऊं, 100% लगा के देखना। आप क्या करना, अगर ज्यादा समय कर सकते हैं, आप एक 6 महीने 3 महीने का एक फेज लें कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं सबको दूं जो मेरे पास है। पॉजिटिव भी तो सोचा जाए, सर नेगेटिव ही क्यों सोचा जाए, आ जाएगा कोई लूट ले जाएगा, कोई मांग ले जाए, मैं उल्टा कह रहा हूं,
एक 3 महीने का एक फेज बनाए कि मैं ऐसा बनूंगा कि मैं सब कुछ दूंगा। दूंगा मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप घर लुटा दो, उसके लिए कोई आ भी नहीं रहा आपके पास में, बट मैं सिर्फ देता रहूंगा और आप देखना कुछ समय बाद वो जो आपने दिया है ना वो ऐसी झड़ी लगती है कि आपके पास आना, ये जो ये खुली आंखों से नहीं देखता, ये सच। बड़ा अजीब सा नियम है। मैं अभी कह रहा हूं आपसे, अभी ये 3 महीने करके देखना और आपको 6 महीने में उसका रिटर्न मिलके वापस आता है। जो मैं देता हूं वही मुझे मिलेगा और जो मैं दूंगा उसका दुगना और चौगुना, इसलिए भगवान शब्द इष्टान, वो सब का सब तुम्हें ज्यादा होके मिलेगा। इसलिए गुरुदेव इस मंत्र को बोलते थे कि मानो कि भगवान गारंटर बन रहे हो, किसके बीच में, प्रजा के, प्रजा और देवता के बीच में गारंटी लेने वाले बन रहे हैं। मैं लेता हूं गारंटी, ना देवता की बात ना तुम्हारी बात। देखना जरा ये श्लोक, इष्टान भोगान ही वो देवा, इष्टान भोगान, देखो ये विशेषण है भोगान का, भोग मिलेगा। अब घबराना नहीं, कोई बोले वैराग्य मिल जाएगा तो क्या होगा, भोगान भोग मिलेगा, कैसा भोग, बोले इष्टान जो तुम चाहते हो। कौन देगा, वो देवाह, वो तुमको देंगे, वह मतलब युष्मत, कौन देगा, देवाह पक्का देंगे, बोले दास्यन्ते, दास्यन्ते मतलब पक्का एश्योर करता हूं कि वो देंगे, पर एक शर्त याद रखना, यज्ञ भाविता, ये जोड़ दिया आगे, ये खुलता है ना, देखो कितना अच्छा है ये शब्द, वो तुमको। प्रश्न है ये कह कौन रहा है, ये पंक्ति बोली किसने, देवता ने नहीं, प्रजा ने, तो बोला किसने ये पंक्ति कि वो देंगे, या तो लेने वाला बोले या तो देने वाला बोले, ना लेने वाला बोल रहा है ना देने वाला बोल रहा है, देने वाला ये कहने वाला तीसरा है, वो कौन है, वो भगवान। इसलिए इसको गुरुदेव ऐसा कहते थे, गारंटर का है कि भगवान ये गारंटी लेते हैं कि तुम लो तुमको मिलेगा, बहुत बड़ी बात है। ये छोटे से आप क्लॉज बदल के देखना जरा, आपके पास गड़बड़ चीजें आ रही हैं, वेट आने दो, इधर से आप एक सप्लाई चालू करो, लाइन एक नई लाइन खोदो, नई लाइन ये खोदो कि मैं आपसे देना चालू करता हूं, और आप देखना वो जो आप दे रहे हो ना वो उसी पाइपलाइन से फिर से क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो आपको फिर से अच्छा मिलना। कभी कभी मैं सोचता था, आप तो खैर ये समझ में आता है कि ये 2 कौड़ी के साधु लोगों के पास होता क्या है, खाना पीना रुपया पैसा ऐश्वर्य, आखिर ये करते क्या है जो इतना मिलता है, वो करते क्या, सोते रहते, कुछ कुछ प्रवचन करते, 1-2 घंटा कहीं आ गए घूम गए फिर सो गए फिर कमरे में बंद, तो ये होता क्या है। तो अब एक बाल बुद्धि से तो मन में ये आता है कि जादू टोना करते होंगे, अंदर कोई रिद्धि सिद्धि होगी उसके कारण ये सब होता है, बट पर नहीं, रिद्धि सिद्धि से इतना हो नहीं सकता। अब बात ये समझ में आती है कि वो जो व्यक्ति है ना बाबा साधु बाबा, वो साधु बाबा किसी को दुख नहीं देना चाहता, वो साधु का स्वभाव ही कहा गया, तो वो कोशिश करता है कि जितना लोगों को क्या किया जाए, सुखी किया। अब उसके पास है क्या, उसके पास खुद ही नहीं है, लेकिन वो मन से जितने लोगों को चाहता है कि मैं तो भाई तो ये काम ऐसे कर लो वो कैसे कर लो ऐसा लोगों, ये जो उसकी मन की एक ये थॉट है ना, इसके कारण वो सुखी है, तो उसको जो चाहिए वो मिलता है। उसने भी ये नियम उसके साथ भी है, अगर आपने भी देना बंद किया, हाँ
तो आपको भी मिलना बंद। अब ये लोग छिपा छिपा के कमरे में रख देते हैं, क्यों दिखे ही ना मुझे देने के लिए। बट आपको पता है देने वाले का मन हो गया ना, तो छिपा कहीं भी छिपा के रखा हो, वो उससे अमूल्य वस्तु उसको दे देता है। ले जा, मान लो एक लड्डू है, वो आपने छिपा के रख दिया। अब ये प्रेमी है, मैं उसको आप गलत ना, वो प्रेम के कारण बोलता है आप बांट दोगे तो मैं आपको कहीं छिपा देता हूँ आपके कमरे में, छिपाते रहे, छिपा दो भैया। एक तो छिपाने का परिणाम ये होता है कि मुझे ही नहीं मिलता है, चलो वो हम तो गए ही गए, अब किसी को देने की जरूरत पड़ी। अब मुझे पता है कि है, लेकिन कहाँ ये मुझे भी नहीं पता है। तो जो महंगी चीज है वो सामने दिख गई, तो उसने क्या किया, वो काजू मेवा बादामी क्या कर दिया, तो वो जो लड्डू से काम हो सकता था वो उसने किसको दे दिया। जाओ, देने वाले को कर्मणि अधिकारते माफलेश, देने पे आपका अधिकार है, आप जो चाहे वो दो, और दोगे तो मैं आपको 100% कह रहा हूं मिलेगा, ये तो भगवान गारंटी ले रहे हैं। इसीलिए एक, अब आई डोंट नो यहां कितने लोग उसको करते होंगे, कभी मैं ऐसा देख रहा था, चिन्मय मिशन के एक गुरुदेव ने एक प्रार्थना बनाई, तो और उसका मोटो अच्छा आप देख लो, चलो इतना ही भी, टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस, मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम पीपल। इसका हिंदी अर्थ ये हुआ कि जो मिशन है वो देता चाहता है, क्या देना चाहता है प्रश्न है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसन्नता, ज्यादा से ज्यादा समय के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। ठीक है, सरल है, सरल भाषा में जो मिशन है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रसन्नता देना चाहता है। अब प्रसन्नता यदि वस्तु से देना चाहता है तो कितनी देर, मेरा प्रश्न तत्व तो इसमें जो टू गिव लिखा है वो दे क्या रहा है। अभी सोचा हमने, दे क्या रहा है। कई बार हम लोगों के यज्ञ में आरोप पर लग ही जाता है, ना कोई प्रसाद देते हैं, ना कोई खाने का सामान मिलता है, और ज्ञान यज्ञ भी हो गया, रामायण भी हो गई, भागवत भी हो गया। हाँ, सच्चाई यही है, ये नहीं मिलता। लेकिन वो शर्त जो गुरुदेव ने लिखा टू गिव, वो है क्या। और आप उसको हिंदी में भी, जो हमने आपको कमिटी में भी करवाया है युवा केंद्र में, कि हम समाज को ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करें, ये उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, देने पर ही हमको वह चीज लौट कर आती है, तो क्यों ना उस चीज को समाज में वितरित किया जाए। आओ हम सब परिवार मिलकर सभी को बांटें, ये एक उसके हिंदी है। ये ज्ञान के जरिए से उसकी देखने की दृष्टि को हम क्या करना चाहते हैं, ये दृष्टि बदल गई तो ज्यादा से ज्यादा समय व्यक्ति क्या रहेगा, प्रसन्न रहेगा। ये उसका स्पिरिचुअल मीनिंग है। टू गिव मैक्सिमम हैप्पीनेस वो तभी हो सकता है जब व्यक्ति की दृष्टि बदले, प्रसाद नहीं, वस्तु नहीं, वो दृष्टि बदल दो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की दृष्टि बदली जाए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को फिर प्रसन्नता क्या होगी। तो आपका मोटो पूरा, मोटो तभी पूरा हो सकता है ये हैप्पीनेस का, जब मैं उनकी दृष्टि को क्या करूं, बदलूं। देखो जी, क्यों बदलूं, आप जब लोगों की मदद करोगे तो भगवान आपकी भी दास्यंते, तो फिर जब एक शुरुआत का व्यक्ति मिलता है जो नया होता, तो वो ये पूछता है कि ये सब चलता कैसे, जब आप इतना डोनेशन तो ऐसा लेते नहीं, ज्ञान नहीं कि तो दक्षिणा से चलता है, तो चलता कैसे, यही नहीं पूरा चिन्मय मिशन। तो मुझे यही समझ में आता है, दास्यंते इष्टान भोगान ही वो देवाहा
दास्यन्ते यज्ञ भाविताः, वो चलेगा, वो मिलेगा, लेकिन वो अंत में जो शब्द है ना यज्ञ भाविताः, यज्ञ को किया जाए तो वो सब की सब चीजें मिलेंगी। तो जो सूत्र एक बहुत छोटा फंडामेंटल है वो ये है, देने की कोशिश की जाए, और व्यक्ति आज देने की कोशिश नहीं करता। कभी मैंने इसको भी आपको पढ़ाया होगा, दान, तो दान में एक ऊपर से देखो कि मैं तो मेहनत से कमाऊं और आपको उठा के चैरिटी के नाम पर क्या कर दूं, तो मूर्खता है। नहीं नहीं मूर्खता नहीं है, उसके पीछे बहुत ही बड़ा इतिहास होगा, तभी इतने बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्या करता रहता है, वो पागल नहीं है, वो देता है तो तभी देता होगा और उसी को देता रहता है जिससे उसको क्या है मिलता रहता है। लोग ये देते कैसे जाते हैं, अब वो उनसे पूछो कि वो कैसे देते जाते हैं, वो देगा तब जब उसको उससे ज्यादा क्या होगा मिलेगा, तो देता रहेगा। ऊपर से देखने में लगेगा कि ये तो घाटे का सौदा है कि व्यक्ति एक महीना कमा कर लाया और उसने उठा के किसी को क्या कर दिया, क्योंकि उससे ज्यादा उसको वो चीज मिलती है कि उसकी वो कीमत उसको है नहीं जो दे रहा है, वो उसकी नजर में उसकी कोई कीमत नहीं। तो ये यज्ञ क्या हुआ, परस्परम भावयन्तः, परस्परम मतलब देने वाला लेने वाला, ये दो है, जैसा दोगे वैसा मिलेगा। आप द्वेष बांटते हो, कलह बांटते हो, आपको कहीं ना कहीं से वेट करो, कलह मिलेगी द्वेष मिलेगा। मैं उल्टा कह रहा हूं इसको जरा धैर्य से, आपको कलह मिल रही है, द्वेष मिल रहा है, वेरी गुड, मिल रहा है ये सच्चाई है, तो आप मत बांटो, आप उसके बदले क्या बांटो, प्रेम, त्याग, विनम्रता, आदर, आप ये बांटो, आप ये निकालो अपने यहां से, भले आपको कैसा भी, थोड़े दिन की बात है, वो पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। धैर्य की रखने की बात है। अब ये मैंने पहले बोला, यही साइंस और इसमें अंतर है कि आप आज ही किसी को दो और आप बोलो कि हमको उतना कोई, हमने किसी भिखारी को दिया तो बोले अब हमको भी कोई उठा के क्या करे, तो ऐसा तो नहीं होता, हम मिलेगा, समय की बात है। तो यही ये अंतर ही देवता और असुर को बनाता है। आपको चलते चलते एक बात सुना होगा आपने कि एक बार भगवान ने, ध्यान रखना, ईश्वर ने एक डिनर पार्टी रखी रात में, और उसमें बुलाया किसको किसको गया, उसने देवताओं को नहीं बुलाया, क्योंकि ईश्वर तो उनका भी है, किनका, असुरों का भी है, ध्यान रखना, हमको लगता है उनकी दुश्मनी कुछ नहीं है, असुर भी उन्हीं से हैं और सुर भी उन्हीं से हैं, देवता भी उन्हीं से हैं तो दानव भी उन्हीं से हैं, संतान सब एक की है। तो उन्होंने दोनों को बुलाया, कहां पर, रात के समय में पार्टी में। अब खलबली मची किधर, दानवों में खलबली इस बात की थी कि विष्णु ने बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा, एक आचार संहिता बनती कि इस ऐसे व्यक्ति ने बुलाया, लेकिन ये विष्णु सदैव का छलिया रहा है, इसने सदैव ही घाटा कराया है और ये ऐसे बुला नहीं सकता, कुछ तो होगा, कुछ तो ये फिर से बेइज्जती कराना चाहता है, लेना चाहता होगा, ये बुला रहा है। तो ये बात आपस में सहमत हुई कि हम लोग जाएंगे, उनके डिनर में सम्मिलित होंगे, लेकिन एक शर्त, सभी लोग अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड बना के रखेंगे, कोई विलास में मस्त नहीं होएगा, कोई सुरा को पीकर बुद्धि को नहीं छोड़ेगा,
देखना है कि ये विष्णु क्या करता है, और उसके यहाँ खाना खा के हम लोग वापस आए। देवता तो खुश थे कि उनके भगवान ने उन्हें बुलाया है, और दोनों लोग आए। बड़ी देर तक उन्होंने इंतजार कराया। अब वैसे ही अधीर होने लगे, कौन दानव, उनको धैर्य तो पसंद ही नहीं कहीं। और फिर भगवान विष्णु का एक दूत आया, बोलता चलिए अब रात्रि का समय होगा। रात्रि का क्या हो ही गया, रात्रि इतनी देर से बैठा रखा है। तो कहता चलिए अब आप लोग भोजन कीजिए। गए, अब जो असुर थे वो एक दूसरे का मुंह ही देख रहे थे, कुछ गड़बड़ होगी देखना अभी। अब गए तो बहुत अच्छा डाइनिंग हॉल था, बहुत ही बड़ा। बस उसमें एक शर्त थी कि एक एक टेबल के इस साइड देवता बैठेंगे और एक इस साइड क्या बैठेंगे, दानव, आमने सामने। सबकी प्लेट अलग अलग होगी, लेकिन बैठना आपको क्या पड़ेगा, तो इधर वाले में देवता बैठ जाओ, इधर वाले में दानव। और ऐसा ही हुआ, और सबके सामने बहुत ही अच्छा भोजन परोसा गया। अब असुरों को लग रहा था कि अभी तक कुछ गड़बड़ हो नहीं रहा है, हुआ क्या अभी तक। और जैसे ही वो खाना खाने चले, दोनों लोग, कौन, देवता और असुर, तो उनके बड़े सारे, वो क्या बोलते हैं आजकल वो क्लब के बाहर होते हैं बाउंसर्स, वो सब आ गए। और ना उन्होंने हाथ में सबके क्या बांध दिया, डंडी, यहां से लेकर यहां, जहां टूटता है ऐसे बांध देता है ना आदमी, तो ऐसे नहीं जा सकता, सबके हाथ में बांध दिया। और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बांधा, सबके बड़ी जल्दी बंद भी गया। अब असुरों ने देखा, मैं कुछ कह रहा था ये गड़बड़ होने वाला, देखो हुआ गड़बड़ अभी। बट बोले अभी हाथ बांध दिया तो क्या कर दिया, कुछ किया तो नहीं इसने भी, ऐसा भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। अब उन्होंने कहा कि समय यह है कि 20 मिनट के अंदर आप सबको भोजन कर लेना है, वरना उस व्यक्ति को भोजन से उठा दिया जाएगा। भोजन इतना अच्छा, सब सामने बैठे थे। अब वो जब खाने चले तो वो हाथ मुड़ता था ही नहीं, और जब वो जाते थे तो उसको ऐसे लेते थे, वो देवता के मुंह में जाता था तो वो फिर नीचे रख देता था उसको। बहुत कोशिश की, अंत में असुरों ने गाली दी फिर से, किसको, विष्णु को। देखा ही, खाना भी सामने, सब कुछ सामने, लेकिन खाना नहीं गया। तो सब उठ गए, कौन, असुर, उठ के जाने लगे। तो उनको लगा कि अभी देवता लोग भी क्या खाएंगे, जैसे हम लोग नहीं खा सके। लेकिन बोले देखे यार, वो लोग तो बैठे पड़े हैं अभी, बोले कुछ गड़बड़ हो रहा होगा, देखो जाके उनका खोल उल तो नहीं दिया सब हाथ वात। फिर से वो लोग आए, देखा तो ये सब तो बैठे थे, किसी का हाथ वात नहीं खुला था। लेकिन वो शर्त ये थी कि वो देवता क्या कर रहे थे, ऐसे लेते थे तो दूसरे को क्या करते थे, और ज्यादा से ज्यादा क्या दूसरा वाला बोल सकता है, लड्डू, तो लड्डू दे देता था, गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन दे देगा, जो खाने का मन वो बोल तो सकता ही था आदमी, ये चाहिए वो बोल दो, तो दूसरा वाला उसको दे देता था और उधर वाला उसको दे देता। सब मजे से खाना खा रहे थे। अब असुरों को समझ में आया कि इसमें गलती क्या हुई, गलती क्या हुई, ये श्लोक देखो आप, मैं ये पढ़ा रहा हूं, परस्परम परस्परम भावयंतः। आप ये सोचो कि आपको सब मिले और आप किसी को ना दो, तो ये नहीं हो सकता। हाँ, आपको वो भोजन मिल सकता है, बशर्ते ये है कि वो भोजन आप भी किसी को, यह है ये शब्द की व्याख्या है, किस शब्द की, परस्परम भावयंतः। अगर मैं ऐसा यज्ञ करता हूं तो हमारे व्यक्तिगत संकल्प भी क्या होते हैं, समाप्त होते जाते हैं, कामना का जो स्तर है वो भी क्या होता जाता है, ऐसा चित्त ज्ञान के योग्य तो अपने आप ही होगा। इसीलिए शब्द के अंत में क्या लिख दिया, श्रेय। प्रश्न अर्जुन का वही था, मुझे वो बताओ
एक बताओ जिससे मुझे क्या मिले, श्रेय। भगवान ने श्रेय परम, उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, श्रेय मिलेगा। फिर भगवान बोलते हैं इष्टान भोगान ही वो देवाहा, वो देवता तुमको भोग देंगे। बस ध्यान रखना पहले श्लोक में बोल दिया वो तब देंगे जब पहले तुम क्या करोगे, देवान भाव यताने न, तुम देवता को भावित करो। वो नहीं आएंगे, बड़ा व्यक्ति तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम जाओगे अपनी निजी इच्छा को छोड़ने। इष्टान भोगान ही वो देवाहा दास्यन्ते, वो तुमको देंगे। शर्त कैसी, यज्ञ भाविताहा, यज्ञ से यदि क्या हो भाव। तैर दत्तान अप, देखो अब भगवान ने बदला ट्रैक, जिसने अपने आप भोग भोगने की कोशिश की, ये भूते, यह भूते, यह भूते मतलब जो भोग करता है, कैसा भोग करता है, तैर दत्तान अप्रदायेभ्य, बिना किसी को दिए हुए, ये परस्परम भावयंतः की व्याख्या है, अब किसी को दिए बगैर आपने भोगने की कोशिश की तो ऐसे भोगने वाले को भगवान बोलते हैं स्तेन। भाष्यकार ने तो उसका अर्थ क्या किया, स्तेन मतलब, स्तेन मतलब तस्कर, वो व्यक्ति कैसा है पता है, चोर है, चोर कहीं से ले आया है और किसी को देता। स्तेन भगवान भाष्यकार के लिखते स्तेन एव तस्कर एव स देवादि स्वपहारी। देखो जी वो देवताओं के स्वत्व को हरण करने वाला वो कौन है, चोर है, चोर। देखो अब देखो आप चोर की कितनी अच्छी व्याख्या की, चोर मतलब भोग करना चोरी नहीं है, लेकिन वह भोग तब किया जाए जब वह भोग आप भी किसी को क्या करो दो। तो भगवान ने लीला में सदैव ध्यान रखना कभी भी माखन अकेले नहीं खाया, जब भी किसी का मक्खन खाया तो स्वयं के लिए नहीं खाया। अब ये तो वक्त मिलेगा आपको भागवत से भी इसको जोड़ता हूं। पहला तो अपने निजी संकल्प का त्याग किया, बोले किसने कहा, ये जो इच्छा थी ये गोपियों की थी, याद रखना, क्योंकि ये तो अच्छे घर के थे तो गोपियों का था कि ये मेरे घर पर कैसे आएंगे, तो किसी तरीके से मेरे, क्योंकि जो उस समय समृद्ध चीज थी वो मक्खन मानी गई, घी माना गया, ये मेरे घर पे आके कब भोग करेंगे, ये इच्छा किसकी थी पहले, ये कृष्ण की नहीं थी, ये किसकी थी, उनके उनके भाव को जीवित रखने के लिए भगवान ने अपने निजी संकल्प का त्याग कर कहां गए, गोपी के घर। और आपको जब आप भागवत सुनेंगे या सुनते होंगे उसमें जिसके घर चोरी करने जाते थे वो लड़का भी उसी पार्टी में शामिल रहता था, अच्छी बात तो ये, वो भी शामिल रहता था। और जब वो पहले तोड़ते थे तो तोड़ने पर पहले वो सबको क्या करते थे, बांट देने के बाद स्वयं क्या करते थे, इससे ये सिद्ध होता है मिलौट कि भगवान चोर, चोर तो जो लोग समाज के ऐसे लोग हैं। तो देख ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाहात् पूर्णमदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।